ओम शांति। क्रिएटर वरदाता शिव बाबा कहते हैं, आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं, वही मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्याजी भव है, वह मन मनाभव तो होंगे ही, ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। बाबा का हमें वरदान भी है मन मनाभव के साथ मध्याजी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। तो चलिए स्मृति में लाए अपना स्वर्ग का देवता स्वरूप। अपने दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा पहुंच जाए देवलोक में। देखे स्वयं को देवात्मा के रूप में। मैं सतयुगी देवता हूं। यहां सतयुग में एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यहां राम राज्य है। इस सतयुगी दुनिया में मुझे राज्य भाग्य प्राप्त है। मैं सर्वगुण संपन्न सोले कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम डबल अहिंसक सतयुगी देवता हूं। मैं बेहद के विश्व का मालिक हूं। मैं बेहद का राज्य अधिकारी हूं।
मैं विश्व महाराजन हूं। स्वर्ग का महाराजा हूं। यहां स्वर्ग में रहने को बड़े बड़े महल है। पांचों तत्व मेरे सेवाधारी है। सब तत्व मेरे ऑर्डर में हैं। पांचों तत्वों पर मेरा राज्य है। प्रकृति मेरी दासी है। प्रकृति द्वारा मुझे सर्व सुखों की प्राप्ति है। मैं प्रकृति जीत हूं। मैं भी सत्वप्रधान और प्रकृति भी सत्वप्रधान। इस स्वर्णिम दुनिया में 21 जन्मों के लिए मेरी निरोगी कंचन काया है। यहां स्वर्ग में पीस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी है। मैं स्वर्गीय सुखों का अधिकारी हूं। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मुझे सब कुछ प्राप्त है। मैं स्वर्ग का देवता हूं।
अपना स्वर्ग का देवता स्वरूप स्मृति में लाकर अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में स्थित रहे। अपने स्वर्ग के देवता स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में स्थित रहने से मेरे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान है। मैं स्मृति स्वरूप महान आत्मा हूं। ओम शांति।